हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और अगर तुम्हारे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट बार बार आ रहा है, दो बार तीन बार अप्लाई करने के बाद भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। एक भाई का हम चैनल यहां पर चेक कर रहे थे, इनके चैनल पर हम काम कर रहे थे, एक महीने से ज़्यादा हो गया और इनके चैनल पर आया हुआ था रीयूज्ड कंटेंट और इनके चैनल को जब हमने मोनेटाइजेशन में भेजा, दो घंटे के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया दोस्तों। और अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ क्या क्या काम किया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। रीयूज्ड कंटेंट अगर आया है या फिर चैनल मोनेटाइज था उसके बाद डीमोनेटाइज हो गया है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे क्या वैल्यू मिलेगी, प्लीज़ मुझे बताओ। सबसे पहले मैंने इनको बताया कि आपको अपने चैनल पर एक चीज़ सबसे पहले देखना है कि दूसरे का कुछ भी कंटेंट ना हो। इन्होंने कहा सर दूसरे का कुछ कंटेंट नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे देखना पड़ेगा। जब मैंने इनके चैनल को रिव्यू किया, मैंने कहा ये क्या है, ये वाला क्या है। देखो मैं जो देखता हूँ एज ए यूट्यूबर नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब टीम क्या देखेगी, आप जब भेजोगे उसको तो वो क्या देखेगी, मैं वो चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ, एकदम डीप में जाकर एक एक चीज़ें देखता हूँ, बारीकी से जाकर देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। टाइम लगता है, एक एक दो दिन लग जाते हैं, टाइम इतना लगता है, एक एक चीज़ें देख देख के बताना पड़ता है, टाइटल बदलो, डिस्क्रिप्शन बदलो, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है दो घंटे के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर इनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ था और इन्होंने, इनसे मैंने कहा कि भैया तुम्हारे चैनल पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और लिखा कि इन्होंने लिखा हाय, हेलो भैया क्या करना है बताओ, हाय इन्होंने मैसेज किया। और इनके चैनल पर यहाँ देख सकते हो 3 सितंबर 2021 को इन्हें रीअप्लाई करना था और इनके चैनल पर रीअप्लाई वाला ऑप्शन भी आ गया था, लेकिन हमने इन्हें मना कर दिया था। मैंने इनको बताया आज रात को बताऊँगा वो करके, फिर आप मोनेटाइजेशन में भेज देना, ये सारी चीज़ें इनको बताई। और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछते रहे, दूसरे की वीडियो भेजे हैं सुभाष रावत और सारी चीज़ें इन्होंने किया। उसके बाद इनसे मैंने कहा कि एक इंट्रो वीडियो बनाओ और इंट्रो वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन इसमें लिखो इंट्रो वीडियो फॉर यूट्यूब टीम। इन्होंने मुझे भेजा था न्यू चैनल इंट्रो फॉर ओनली फॉर मेड एंटरटेनिंग, ये लिखकर भेजा था। मैंने इनसे बताया कि अपने चैनल पर एक इंट्रो वीडियो बनाओ जिस पर ये लिखना है आपको। उसके बाद ये सारी डिटेल इनको बताई, इन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके है। और फिर मैंने इनको यह देखो यहां पर क्या लिखा है, मंडे को बोला यस भेज दो इंट्रो वीडियो बना दिए हो तो। इन्होंने कहा ओके, 5:19 पर इन्होंने ओके कहा है और 7:25 पर इनका चैनल मोनेटाइज हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख लो आपके सामने, इनका चैनल दो घंटे के अंदर मोनेटाइज हो गया है। और मैंने इनको लिखा कि कितनी देर में मोनेटाइज हुआ, इन्होंने कहा सर 2 घंटे में मोनेटाइज हो गया। तो यहाँ पर फिर देखो इन्होंने लिखा बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आपको ऐसे लोगों की मदद करते रहो, बहुत आगे जाओगे, हमारी दुआ आपके साथ है, दिल से धन्यवाद, सेव्ड। और इन्होंने लिखा है कि सर मेरा जन्मदिन भी था और आपने मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब दिक्कत ये थी कि इनके चैनल पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इनके चैनल पर कुछ पहले डॉलर अर्न किया हुआ था, लेकिन वो डॉलर अभी नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। और इनका चैनल मोनेटाइज था, डीमोनेटाइज हो गया और उसके बाद चैनल इनका 2 घंटे के अंदर मोनेटाइज करवा दिया। अब आपको बताता हूँ कि करना क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक मैं आपको बताऊं हमने गिनती नहीं की है कि कितने चैनल मोनेटाइज करवा दिए हैं। अगर गिनती करता तो शायद ये गिनती 100 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले अपने चैनल पर देखना है किसी दूसरे का वीडियो ना हो। अगर किसी दूसरे का वीडियो है जिसमें आपकी आवाज नहीं है, जिसमें आपका फेस नहीं है, तो उस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिलीट कर देना। अगर किसी का वीडियो आपने नहीं यूज किया फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, तो आपको ये देखना है कि आपने जो वीडियो अपलोड की है उसमें कौन सी वीडियो पर आपकी आवाज़ नहीं है। अगर आपके चैनल पर सभी वीडियो में आपकी आवाज़ है और फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है, तो आपको देखना है कि आपके वीडियो का थंबनेल किसी दूसरे का तो नहीं लगा रखा है, किसी दूसरे का या एक जैसा ही 4-5 थंबनेल तो नहीं लगा रखा है। अगर ये तीनों काम आपने कर रखे हैं फिर भी आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डालिए। डिस्क्लेमर डालने के बाद वहां पर लिखना है दिस वीडियो ओनली मेड फॉर एंटरटेन पर्पज, अगर एजुकेशन वीडियो है तो एजुकेशन पर्पज लिखना है, जैसे कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, जाकर देख लेना। ये सारा काम करने के बाद आपका चैनल दो
घंटे के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, जब आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजना हो, उसके एक दो घंटे पहले एक वीडियो आपको बनानी है, इंट्रो वीडियो, जो कि 5 मिनट से कम होनी चाहिए। इंट्रो वीडियो बनाने के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेज देना, आपका चैनल 100-101% मोनेटाइज हो जाएगा। जिस दिन ये चैनल मोनेटाइज हुआ था दोस्तों, उसी दिन 5 चैनल हमने मोनेटाइज करवाए हैं, और 5 चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हुए कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन हम वो ट्रिक काम करते हैं, उस तरीके से काम करते हैं जो यूट्यूब कहता है, हम उसी को फॉलो करते हैं। और हमारा कोशिश यह है, हमारी कोशिश यह है कि हम आपके साथ जुड़ें, आपकी हेल्प करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपकी हेल्प करें, क्योंकि हमारा मकसद आपको बताना नहीं, समझाना है। और जब तक आप समझ नहीं जाते, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ आपको सिर्फ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपको हेल्प कर दूंगा। और अगर लगेगा कि हाँ इस चैनल पर काम करना है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, नो डाउट, और मजा भी आया होगा। तो जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।